नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हैदराबाद के शमशाबाद में डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई पर जहां देश में वाहवाही की जा रही है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने केरल के राज्यपाल से बातचीत की। तो आइए आपको दिखाते हैं केरल के राज्यपाल ने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ साहब। सर, हैदराबाद की जो घटना हुई, आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं संतुष्ट, उस पर तो शर्म से सर झुकता है। संतुष्ट कहाँ से, मैं कह रहा हूँ कि ये जघन्य अपराधों के खिलाफ कानून को तो काम करना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है। समाज में ये चेतना पैदा करने की जरूरत है कि अगर हम देखिए महिला के साथ दुर्व्यवहार होगा, अगर हम मनों में ये बात बैठ जाएगी कि वो हमसे कम है, वो कम नहीं है हमसे। और जब हम महिला को कम करके देखते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस वो तो इंडिविजुअल को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपनी परंपराओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर, अब बात उठने लगी, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो और ऐसा कानून की फांसी दी जाए तुरंत। मैं मेरे नज़दीक कानून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज की चेतना है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति सबको सम्मान करना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि उनका सम्मान बरकरार रहे। कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी।